दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वेरी वेरी टैलेंटेड सिंगर अनवर हुसैन। अनवर हुसैन को पहला प्लेबैक सिंगिंग का मौका मेरे गरीब नवाज फिल्म में मिला। इस फिल्म के संगीतकार थे कमल राजस्थानी। इसी फिल्म में रफ़ी साहब ने 4 गीत गाए थे और एक गीत अनवर साहब ने गाया था, और एक गीत के बोल थे, कसमें हम अपनी जान की खाते चले गए। अनवर साहब ने इस गीत को बहुत अच्छे ढंग से गाया था। इसी गीत के मिक्सिंग के वक्त रफ़ी साहब उसी स्टूडियो में मौजूद थे, तो उन्हें भी ताजुब हुआ कि ये गीत उन्होंने कब गाया था। रफ़ी साहब ने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि यह गीत उन्होंने कब गाया था। जब उन्हें पता चला ये गीत अनवर साहब ने गाया था तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि मुझे लगा ये मैंने ही गाया है, अनवर साहब ने बहुत अच्छा गाया है। तो रफ़ी साहब ने उसी वक्त अनवर साहब की तारीफ़ की थी। आज भी यह गज़ल बहुत पॉपुलर है। इस गीत की कामयाबी के बाद भी अनवर साहब को प्लेबैक सिंगिंग का मौका नहीं मिल रहा था। वो काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टरों से मिलते थे, सभी यही कहते थे कि रफ़ी साहब अवेलेबल है तो जो डुप्लीकेट है उनको मौका क्यों दें। तो कुछ साल स्ट्रगल करने के बाद अनवर साहब महमूद साहब को मिले, और आप सबको पता है कि महमूद साहब नए नए टैलेंट को हमेशा मौका देते थे, और महमूद साहब को अनवर साहब की आवाज़ बहुत अच्छी लगी, और फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उन्हें जनता हवालदार फिल्म में मौका देंगे, और ऐसा ही हुआ। जनता हवालदार के गीत अनवर साहब ने गाए। एक बात यह मैं कह सकता हूँ कि अनवर साहब ने कभी भी रफ़ी साहब की नकल करने की कोशिश नहीं की थी, मगर उनका जो नेचुरल गाने का अंदाज था वो बिल्कुल रफ़ी साहब जैसा था। तो राजेश रोशन जी ने अनवर साहब की मेरे गरीब नवाज फिल्म की गज़ल सुनी थी, उनको भी अनवर जी का आवाज़ बहुत पसंद था। जब महमूद साहब उन्हें लेके उनके स्टूडियो पहुँचे और जनता हवालदार फिल्म के लिए उन्हें गाने को कहा, राजेश रोशन जी को अनवर साहब पर इतना कॉन्फिडेंस था, सीधा उन्हें माइक्रोफोन पर गवाया। पहला उनका गाना था तेरी आँखों की चाहत में। ये गाना जब स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ तो सबको ये गाना बहुत अच्छा लगा, और उसी दिन से उनके नाम के चर्चे बॉलीवुड में होने लगे। इसी फिल्म में और एक दूसरा गाना था जो बहुत ही कामयाब था, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम का मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। ये गीत बहुत कामयाब हुआ। जब राजेश खन्ना जी ने ये गीत सुना तो उन्हें भी लगा कि ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। उन्होंने कहा भी रफ़ी साहब ने इसको बहुत अच्छा गाया है, मगर जब उन्हें पता चला कि यह गीत अनवर साहब ने गाया है तो उन्होंने अनवर साहब की पीठ थपथपाई और उन्हें कहा, आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत अच्छा गाते हो। बाद में राजेश खन्ना जी ने उन्हें रिकमेंड किया, उनकी फिल्म थी थोड़ी सी बेवफाई, इसी फिल्म में जो गीत था बहुत पॉपुलर गीत था, मौसम मौसम लवली मौसम, क्या गाया है अनवर साहब ने, बहुत अच्छा गाया है। और इस गीत के म्यूज़िक डायरेक्टर थे ग्रेट खयाम साहब। अनवर साहब बहुत लकी थे, उन्हें खयाम साहब जैसे महान संगीत निर्देशन के डायरेक्शन में गाने का मौका मिला। जब जनता हवालदार की म्यूज़िक रिलीज हुई तो काफ़ी लोगों को लगा कि अनवर नाम गलती से कैसेट पे डाला है, ये तो मिसप्रिंट हो गया है, ये तो गाना रफ़ी साहब ने गाया है। लोग यही समझते थे कि गाना रफ़ी साहब ने गाया है। बाद में ऐसी भी अफवाह उड़ी कि यह गीत रफ़ी साहब के बेटे अनवर ने गाया है। यह अफवाह कई महीनों चलती रही। अनवर साहब रफ़ी साहब को कई बार मिले थे, रफ़ी साहब ने हमेशा ही उन्हें हौसला दिया। रफ़ी साहब जैसा आवाज़ होने का उन्हें कभी फ़ायदा हुआ और कभी नुकसान भी हुआ। रफ़ी साहब हमेशा कहते थे, ये मेरे जैसा ही गाता है और ये मेरे जैसा ही दिखता है। तो अनवर साहब लकी थे, उन्हें रफ़ी साहब का आशीर्वाद प्राप्त था। अनवर साहब ने राजेश खन्ना, अमिताभ, जितेंद्र, दिलीप कुमार, अनिल कपूर ऐसे अनेक दिग्गज कलाकारों के लिए प्लेबैक सिंगिंग किया था। उनका मोहब्बत अब तिजारत बन गई है एक गीत काफ़ी हिट हो गया था। उनके कई गीत थे, माना कि अनवर साहब ने कम गीत गाए मगर उनके ज़्यादातर गीत हिट थे, जैसा मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, हाथों की चंद लकीरों का, सोनी मेरी सोनी, मौसम मौसम लोली मौसम, जिंदगी इम्तहान लेती है, हमसे का भूल हुई,
तेरी आंखों की चाहत में, ऐसे बहुत सारे गीत हैं, मैं गिना सकता हूँ जो अनवर साहब ने गाए, और ये सब गीत कामयाब थे, सुपरहिट थे। मैं ये कह सकता हूँ कि अनवर साहब आवाज़ के जादूगर थे, उनकी आवाज़ सीधी दिल तक पहुँचती थी। मगर ऐसी उनसे क्या गलती हुई जो उन्हें ज़्यादा गीत नहीं मिले? वैसे तो अनवर साहब बहुत सीधे इंसान थे, उन्हें बॉलीवुड की पॉलिटिक्स पता नहीं थी, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से रिलेशंस डेवलप करना चाहिए, ये उन्हें पता नहीं था। उन्होंने कुछ गलतियाँ की और उन्होंने इस गलतियों का बड़े दिल से स्वीकार भी किया है। इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे पार्ट टू में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पार्ट टू ज़रूर सुनें। जय हिंद, जय भारत।